स्टेज पे आमिर बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख खान सही कहा आपने, पत्नी के साथ गौरी खान के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए एक लंबी लाइन यही आपने कि तमाम जो बड़े बड़े फिल्मी सितारे हैं नवाब पौडवाल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मौजूद रही और जावेद अख्तर साहब बताया मौजूद रही, इसी बड़े बड़े और भी तमाम लोग सितारे जो हैं वह खासतौर से घर पर आप देखिए कि इस वक्त शाहरुख खान उनके पूरे परिवार से मिल रहे हैं। शाहरुख खान आप देखिए कि उन्होंने अब मास्क निकाला है, सुप्रिया सुले सरस्वत से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद वह उनके परिवार से भी मिल रहे हैं। तो और कुछ लोग जो घर पे नहीं आ पाए थे वह यहाँ पर आकर उन्हें अंतिम दर्शन में यहाँ पर सहभाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो यह साफ है, सही कहा आपने कि जो भी तमाम फिल्मी सितारे हैं, खासकर अगर अमिताभ बच्चन की बात करें, बिग बी के नाम जाते हैं, वह भी घर पर जाकर उन्होंने उन्हें उनका अंतिम दर्शन लिया। बहुत लोग चूँकि यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो वह लोग घर पर ही गए थे। अभी भी देखिए लंबी एक लाइन लगी है लोगों को अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें पुष्पमाला जो अर्पित करते हैं तथा सुमन अर्पित करते हैं फूलों से, वो अर्पित करने के लिए लोगों की ये लंबी कतार लगी हुई है। मैं कहूँ अगर जो ये तो वीवीआईपी है, अगर छोड़ दिया जाए, आम पब्लिक को आने दिया जाए तो आप समझिए कि कई दिन लग जाएंगे शायद, कि हर कोई चाहेगा कि एक बार जाके उनके पैर छू लें अंतिम बार, ताकि हमेशा अब कभी आगे उनको बिल्कुल देखिए शायद उस घड़ी का हर किसी को इंतजार नहीं होता है, कोई चाहता कि घड़ी ना आवे, लेकिन उस तस्वीरों को लोग देखना चाहेंगे। इस वक्त जो अंतिम तस्वीरें अब इस वक्त है, अंतिम तस्वीर आप देखिए कि लता मंगेशकर के जो अंतिम दर्शक रखा गया था, अब उनके पार्थिव शरीर को सेना के जवानों ने अपने उठा लिया है कंधों पर, उठाकर अब चिता पर जाया जाएगा। जो चिता बनाई गई है खासतौर से शिवाजी पार्क में, इस चिता पर उनके पार्थिव शरीर को लटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी हम कहें हम किसी भी वक्त उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी, जैसा कि मैंने बताया हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के जो भाई है उनके द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। जो यहाँ पूजा पाठ हुई है उससे पहले वह आदिनाथ ने ही पूजा पाठ संपन्न करवाई है, यानी आदिनाथ की तरफ से उनकी मुखाग्नि दी जाएगी। जो परिवार के लिए लगातार जीती रही, लगातार उनके संघर्ष करती रही, वही परिवार आज यहाँ पर उनके साथ खड़ा है। देखिए किस तरीके से जो सेना के जवान हैं वह अपने कंधों पर लता दीदी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपटा हुआ, देखिए लगातार उनके पूरे पार्थिव शरीर में लपटा हुआ है और तिरंगे में लपटा हुआ पार्थिव शरीर को इस वक्त चिता पर लिटाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और अब देखिए यह एक एक क्षण, जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूँ कि शायद ये क्षण हर कोई चाहता उसे जिंदगी में ना आए, लेकिन सच्चाई यही है, जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन जाना ही होगा, और लता दीदी का वह दिन आज आया और आज उन्हें जाना पड़ा। लेकिन जब तक वह रही वो उन्होंने अपनी इस आवाज से इतनी छटा, अगर मैं बताऊं आपको राजीव मेरी आवाज अगर आ रही है आपको, देखिए किस यहाँ पर हम के
छल सेना, वायुसेना, जल सेना तीनों की सीमा 19 राइफलों के साथ अब इस वक्त द्वारा साथ ही मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अब देखिए यह है कि और उन्हें सलामी देने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आर्मी के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर सभी के लोग यहाँ पर उनकी मौजूदगी में इस तरीके की प्रक्रिया है और अभी भी उनका जो शरीर है वो तिरंगा में लपेटा हुआ है। जैसे ही यह सलामी दी जाएगी उसके बाद वो तिरंगा उनके शरीर से निकाला जाएगा, उनके परिवार को तिरंगा सौंप दिया जाएगा और उनके परिवार ने जैसे बताया कि हृदयनाथ मंगेशकर के जो भाई हैं, हृदयनाथ मंगेशकर के जो बेटे हैं आदिनाथ, वह यहाँ मुखाग्नि देंगे और उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। और यह चीज़ें बहुत एक जो तस्वीरें हैं यह गमगीन करने वाली हैं, बहुत कुछ देने वाली हैं कि चाहते हैं लोग कि शायद यह तस्वीर हर किसी को जैसा ना देखना पड़े, लेकिन हर किसी के जीवन में दिन आना है। लता दीदी 92 साल की उम्र में आखिरकार हम सभी को छोड़ कर चली गई। 28 दिनों तक वह लगातार भैया मोबाइल भैया अंदर कर दो कुछ नाली के अंदर मोबाइल यदा
महेश्वर के साथ जुड़े, ठाकरे परिवार जुड़ा, महेश्वर परिवार के साथ बधाई यहाँ पर।